हैलो एंड वेलकम बैक टू चहल अकेडमी इन दिसेक्ट एलिफेंट सो लेटर स्टार्ट और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की कब आए था और क्यों इसको लाया गया था सेकेंड हम लोग बात करेंगे एलिफेंट रिजर्व की थर्ड हम लोग बात करेंगे एलिफेंट कॉरिडोर की फोर्थ में हम लोग बात करेंगे द करंट स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया आज की डेट में एलिफेंट्स की क्या स्थिति है भारत के अंदर और फिफ्थ पर हम लोग बात करेंगे कुछ थ्रेट्स जो एलिफेंट को फेस करने पड़ रहे हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर इंट्रोडक्शन so से देखिए एलिफेंट्स तो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम को लॉन्च करा गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट इसके एम्स क्या क्या थे देखिए फर्स्ट एम है टू सेव द एलिफेंट्स एंड देयर प्रोटेक्शन

बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि एलिफेंट्स की मृत्यु हो रही है बिकॉज कई बार आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट्स को अलग अलग तरीके से इस तरीके के थ्रेट्स को फेस करना पड़ रहा है जहां पर इलेक्ट्रोक्शन की वजह से या फिर ऐसा हो सकता है कि मैन और एनिमल के कंफ्लिक्ट की वजह से भी एक तरीके से उनकी मृत्यु हो रही है या फिर पोचिंग हो या फिर अलग तरीके के थ्रेट्स हो जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वेलफेयर ऑफ दिवीमेंट कैप्टिवें होते हैं और बेटर तरीके से रेग्युलेट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को लाया गया अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट में या फिर एलिफेंट रिजर्व या एलिफेंट कॉरिडोर को किस एक्ट के तहत हम लोग लेके आते हैं तो याद रखिएगा इसके पीछे कोई भी लीगल रिकॉग्निशन नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी बन चुकी है तो देर इज नो लीगल बैकिंग ओनली द स्कीम ओनली द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही कंजर्व करा जाता है एलिफेंट्स को भारत के अंदर अब बात करते हैं देखिए एलिफेंट्स की सबसे पहले द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है ऑन दी लैंड पे जो मैमल हमें पाया जाता है कहां पर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर तो ध्यान से वर्ड देखिएगा एशियन कॉन्टिनेंट में वो है एशियन एलिफेंट फिर देखिए इंडियन एलिफेंट इसको आप अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं नॉर्थ में है ईस्ट में है साउथ में है सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न घाट्स तो ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगा जहां पर भी ग्रासी लैंड्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे एलिफेंट्स मौजूद होते हैं जनरली एंड की बात करते हैं तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है एलिफेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट में हम लोग कि किस तरीके से एलिफेंट रिज़र्व्स आए हैं तो देखिए एलिफेंट रिज़र्व्स को लाने का सबसे बड़ा प्राइम पर्पस था इन सीटू प्रोटेक्शन हो सके और जहां पर एलिफेंट्स की तादाद ज्यादा है या उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनको नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करके रखा जा सके सो दीज आर दंजर्व हैबिटेट एरियाज ऑफ द एलिफेंट्स प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कोई एक्ट नहीं है जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ये सारी चीजें एक्ट से निकली हैं जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से निकले हैं अगर मैं बात करता हूं रिजर्व फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तो ये निकले हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन ऐसे अलग अलग एक्ट से चीजें निकली हैं क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 से निकला है परंतु अगर मैं बात करता हूं एलिफेंट रिजर्व्स की तो इस पर कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट से नॉमिनेट होते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहली भारत के अंदर जो एलिफेंट रिजर्व बनाया गया वो था झारखंड में इन ईयर टू वन आज की डेट में हम देखेंगे थर्टी थ्री एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं भारत के अंदर अब एलिफेंट कॉरिडोरस क्या होते हैं आप देख सकते हैं इमेज के अंदर भी ये जो एरियाज हैं या ये जो नैरो पाथवेज हैं इन्हीं को हम लोग एलिफेंट कॉरिडोरस कहते हैं बिकॉज़ इट्स अ मैमल जिसको माइग्रेट करना होता है माइग्रेट कहने का मतलब ये है कि इसको लंबे लंबे स्ट्रेचेस पर मूव करना पड़ता है अगर आप उसको पांच किलोमीटर या छह किलोमीटर के बंद दायरे में बांध करके रख देंगे तो एलिफेंट जिंदा नहीं रह पाएगा एलिफेंट का जो हैबिटेट है या जो उसकी रेंज है वो काफी बड़ी है तो इसलिए उसको नैरो स्ट्रेचेस दिए जाते हैं जिसका नाम है एलिफेंट कॉरिडोर्स और आप देखेंगे एलिफेंट कॉरिडोर्स का जो कंसेप्ट है वो किस चीज के लिए आया है जो बड़े बड़े दो डाइवर्स इकोसिस्टम हैं या बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि उसकी जो रेंज है मूवमेंट so किस लिए जरूरी है मूवमेंट जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए जैसा मैंने आपको बताया अगर आप उनको नैरो स्ट्रेचेस और लंबे पाथवेज नहीं देंगे और अगर बड़े एरिया में उनको नहीं रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ समय बाद तो ये संख्या बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है आप इसको चेक करते रहिएगा अब देखिए करंट स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया आज की डेट में भारत के अंदर एलिफेंट की क्या स्थिति है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑल्ड वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स भारत में ही पाए जाते हैं तो ये बहुत यूनिक बात है कि भारत के अंदर 60 परसेंट जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं वो भारत में ही मौजूद हैं अब देखिए आज का जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2017 का है ऐसा है देखिए 2022 में भी सेंसस होना था दैट इज एवरी फाइव ईयर एलिफेंट सेंसस होता है परंतु आपको देखने को मिलेगा 2022 का सेंसस को नहीं कराया गया और स्टेट्स ने इंडिविजुअली काउंट करा जैसे केरल ने तमिलनाडु ने इन्होंने अपने आप से सेंसस कराया या अपने आप से एलिफेंट्स को काउंट करने की कोशिश करी परंतु एक लार्ज स्केल जो इंडिया लेवल पर है है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप देखिए 2017 का लास्ट in तो करते हैं करंट एलिफेंट्स इन इंडिया आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा दो तो 2017 तक वो 30 के करीब थी इकतीस के करीब थी अभी लेटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा डांडेली एलिफेंट रिजर्व इसको कर्नाटका में नोटिफाई करा गया फिर उसके बाद जो लेटेस्ट हुआ एलिफेंट रिजर्व नागालैंड एंड वेरी लेटेस्ट वाज लेटेट रिजर्व इन छत्तीसगढ़ तो यहां से इसकी जो संख्या बन चुकी है अब थर्टी थ्री हो चुकी है कर्नाटका की बात करी जाए तो कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहां पर हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट मौजूद हैं सिक्स और यहां पर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर आता है हमारा असम और थर्ड पे केरल एक और फैक्ट याद रखिएगा अराउंड बारह हजार एलिफेंट अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ये सिर्फ और सिर्फ सदर्न स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु केरल में ही मौजूद पाए जाएंगे कर्नाटक के अंदर अगर आप इन सब में देखेंगे सबसे ज्यादा साउथ के अंदर है और साउथ में भी सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका में देखेंगे इवन इन ऑल इंडिया लेवल कर्नाटका में सबसे हाइएस्ट पाए जाते हैं अब बात करते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है या क्या थ्रेट्स इनको फेस करने को मिल रहे हैं सबसे पहला हैबिटेट लॉस जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एलिफेंट को एक लार्ज एरिया चाहिए होता है मूव करने के लिए रहने के लिए अपने आप को एसिमुलेट करने के लिए परंतु हो क्या रहा है बिकॉज ऑफ दी स्टेशन डिग्रेडेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लॉस होता जा रहा है जिसकी वजह से मैन एनिमल कंफ्लिक्ट क्यों क्योंकि ये अपनी रेंज से बाहर आते हैं और कहां पर आ जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर गांव में तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मैन और एनिमल कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है फिर आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एलिवेंट हैबिटेट किस पर्पज के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि डैम्स रोड्स अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वजह से भी बहुत बड़ा एक थ्रेट मौजूद देखने को मिलेगा आपको एलिफेंट्स के ऊपर फिर इन किलिंग पोचिंग आज भी जारी है इनके टस के लिए जैसे इनके दांतों के लिए आज भी इनको मारा जाता है आज भी इनको बेचा जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है डेकोरेटरी पर्पसेस के लिए इनको मारा जाता है सो ये एक आज भी समस्या बनी हुई है और पोचिंग एलिफेंटास ये सब कंटिन्यू तो है ही है और उसके साथ आपको देखने को मिलेगा कई बार आपको यहां पर एनिमल कंफ्लिक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्यों एनिमल कंफ्लिक्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर लैंड के आसपास के एरिया में जो फार्मर्स हैं वो क्या लगा देते हैं बिजली बिजली की वायर्स लगा देते हैं लाइव वायर्स और उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है खाने की वजह से मृत्यु हो जाती है कई बार गर्मी की वजह से मृत्यु हो जाती है सो इन ऑल टुगेदर आपको देखने को मिलेगा कई सारे थ्रेड्स एलिफेंट पर मौजूद हैं आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार आगे आई है कौन कौन से इनिशिएटिव हम लोगों ने चलाए हैं सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल रूप से कवर करने के लिए प्लीज की फॉलोइंग चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल आई एल बी बैक विद अनदर वीडियो टिल देन थैंक यू सो मच